नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खोदी गई सड़कें अब व्यापारियों और आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। कई ऐसी सड़कें हैं जिन्हें केवल मिट्टी और पत्थर डालकर ढका गया है, जिससे दिन भर धूल उड़ती रहती है। जिसको देखते हुए व्यापारियों ने त्योहार से पहले सड़कों की मरम्मत करने की मांग की है। स्मार्ट सिटी CEO डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि अभी ज्यादातर सड़कें पर सिविल लाइन बिछाने और मल्टी यूटिलिटी बनाने का काम चल रहा है, जिसके बाद सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा। फिलहाल अस्थायी व्यवस्था के तौर पर सड़कों की मरम्मत की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़कें बनाई जाएंगी और एक बार फिर से राजधानी की सड़कें खूबसूरत देखने को मिलेंगी। देखिए, स्मार्ट सिटी के काम जो होने हैं, आपको पता है कि कोविड की वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो डिले हुए हैं और उसके बाद ये सारे के सारे काम अगले वर्ष के एंड तक जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो अभी मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी दून वासियों से निवेदन है कि जब हम कोई भी चीज अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें लोगों को आती हैं। उन दिक्कतों को अगर थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करेंगे और हम भी उनके चीजों के लिए जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो इंजीनियर्स हैं उनको कहा गया है कि कम से कम परेशानी हो, तो ये दोनों इस तरीके से करेंगे तो जल्दी हम इन कामों को कर पाएंगे और थोड़ा सा हमें शहर को अच्छा, ये आज की जो परेशानियां हो रही हैं इसके बाद शहर एक अच्छे रूप में सामने दिखाई पड़ेगा। और इसी वजह से हमने टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है। आपको पता होगा कि हमने बहुत ऑलमोस्ट 70% स्मार्ट रोड पर जो है सीवर लाइन डाल दी है, लेकिन किसी भी रोड को बंद नहीं करना पड़ा है हमें। थोड़े जरूर मैनहोल्स के पास जो है वो खोल करके, क्योंकि वो वैक्यूम की टेक्नोलॉजी है, उससे करते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं जिससे कि कम से कम प्रॉब्लम हो लोगों को। अभी के लिए इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।